हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है जिग्स एंड फिक्सर। जिग्स एंड फिक्सर एक ऐसा टॉपिक है जो कि थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आता है थ्योरी एग्जाम के अंदर, वह दो टाइप से आता है। पहला जो टाइप से फ्रेंड्स, उसमें जिग्स एंड फिक्सर की नॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाती है, जो कि हमें नॉर्मल डायग्राम बनाकर समझाना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो दूसरा टाइप है, वह जिग्स एंड फिक्सर में बेसिक डिफरेंस पूछे जाते हैं, जो कि हमें पॉइंटों के रूप में लिखना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स आज हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को आज के वीडियो में समझाने वाले हैं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इधर जिग्स की डेफिनेशन है जो कि इंग्लिश में और हिंदी में लिखी हुई है। इधर फिक्सर की डेफिनेशन है, इसको भी इंग्लिश में और हिंदी में मैंने लिखा है। नीचे दो डायग्राम है फ्रेंड्स, इन दोनों डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, जिग्स कैसे तैयार होता है, कैसे काम करता है। आपको सिर्फ फ्रेंड्स वीडियो से जुड़े रहना है। अब मैं सबसे पहले जो भी जिग्स की और फिक्सर की डेफिनेशन लिखी हुई है उसको समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, उसी के पॉइंटों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि लिखा हुआ है, जिग्स क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है। किसको होल्ड करती है? बर्फ को। अब फ्रेंड्स ये होल्डिंग डिवाइस है, तो इसको कैसे तैयार किया जाता है और कहां पर तैयार किया जाता है, वह मैं इस डेफिनेशन के थ्रू समझा रहा हूं। जिग्स फ्रेंड्स एक ऐसी डिवाइस है जिसको हमें, जो हमारा वर्क टेबल है उसके ऊपर हम तैयार करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, बनाते हैं। यह एक टेम्परेरी रूप में बनाई जाती है। क्या है? इसमें एक टेम्परेरी रूप में बनाई जाती है। और इसको बनाने का पर्पज रहता है फ्रेंड्स, जो जिग्स है उसको बनाने का पर्पज रहता है किसी वर्कपीस पे जो हम ऑपरेशन करते हैं, उस टाइम उस वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब उस वर्कपीस के ऊपर जो ऑपरेशन होता है, वह ऑपरेशन किसके थ्रू होता है? टूल के थ्रू होता है। तो उस टूल को गाइड करने के लिए भी हम जिग्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो जिग्स की मेन काम क्या है? जो वर्कपीस है उसको सपोर्ट करना, लोकेट करना, उसको होल्ड करना और टूल को गाइड करना। इसी तरह फ्रेंड्स जो बेसिक डिफरेंस है फिक्सर के अंदर, मैक्सिमम जो हमारे फिक्सर है वह जिग्स की तरह ही काम करता है। लेकिन अंतर क्या है? जिग्स क्या है? टेम्परेरी होता है, जबकि फिक्सर कैसे रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी हम वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं, वर्कपीस को सपोर्ट कर सकते हैं, वर्कपीस को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन जो काम नहीं कर सकते फिक्सर के अंदर, वह काम है फ्रेंड्स वह टूल को गाइड करना। तो फिक्सर के अंदर हम टूल को गाइड नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स हमने डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की, जो पॉइंट लिखे उनको समझाने की कोशिश की। अब फ्रेंड्स हम सबसे पहले जो समझा रहे हैं वह है जिग्स कैसे तैयार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपने पूरा थोड़ा सा वीडियो देख लिया कि जिग्स कैसे तैयार करते हैं, तो आपको जिग्स के और फिक्सर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप सिर्फ हमसे जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स यहां पर एक प्लेट दिख रही होगी। क्या दिख रही? प्लेट। ऐसी हमें हजारों प्लेटें बनाना हो, क्या बनाना है? हजारों प्लेटें बनाना है एक नॉर्मल ड्रिल मशीन के ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स, हजारों पीस बनाना है, तो हमारे पास एक नॉर्मल ऐसी क्या होगी? प्लेट होगी। होगी क्या? होगी प्लेट। जब हजारों पीस बनाना और एक जैसे बनाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मास प्रोडक्शन। याद रखें फ्रेंड्स, जब हमें एक जैसे हजारों पीसों को प्रोडक्शन करना हो, तो उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसकी जिग्स है उसका यूज कहां पर करते हैं? मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ऐसे हजारों पीस करना है, तो नॉर्मली अगर हम सोचेंगे तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास ऐसी एक प्लेट होगी, उसमें हमें ये दो ड्रिल की सहायता से होल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा? मार्किंग करना पड़ेगी, इसके डायमीटर की मार्किंग करना पड़ेगी। ये पर्टिकुलर कितनी दूरी पर है इधर से, और इतनी इधर से कितनी दूरी पर है, उसकी भी मार्किंग करनी पड़ेगी। तो ऐसी मार्किंग करने के लिए हमें हजारों पीसों पर मार्किंग करनी पड़ेगी। जब हजारों पीसों पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? जिग्स को तैयार करते हैं। ठीक है, तो जिग्स कैसे तैयार करते हैं अब मैं बता रहा हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा जिग्स क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि हमें इसमें बार बार मार्किंग ना करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा प्रोडक्शन का रेट है वह बढ़ जाए, उस समय की बचत हो जाए। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं जिग्स को तैयार करने के लिए, ये जो पीस है हमारे पास ओरिजिनल, जिसका हमें प्रोडक्शन बनाना है, ऐसे ही हजारों पीस बनाना है, इसका हम एक टेम्पलेट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसे तैयार करते हैं मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक टेम्पलेट बनाया है। टेम्पलेट कैसे बनता है समझ लें ध्यान से। इसकी जो चौड़ाई रहती है, उतनी चौड़ाई की हम क्या करते हैं एक टेम्पलेट बना। वर्कपीस की इतनी चौड़ाई है फ्रेंड्स, ये वर्कपीस हमारे पास, ये टेम्पलेट है। तो वर्कपीस की जितनी चौड़ाई होगी, उतनी चौड़ाई का हम एक पीस ले।
इसकी हम कुछ मोटाई लेंगे, किसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी ड्रिल बिट है उससे टकरा रहे हैं और आराम से ड्रिल चल चल सके उतनी हम इसकी क्या लेंगे, चौड़ाई लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको जो टेम्पलेट यूज कर रहा है उस किसके लिए, जो यहाँ पर जो होल बने हुए हैं, जी होल बने हुए उसका स्थान बनाने के लिए। तो पर्टिकुलर इसको बिल्कुल हम ऊपर इसके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सही एक्सिस आना चाहिए, इधर से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे इधर से, और एग्जैक्ट जितना डायमीटर इसका है उतने ही डायमीटर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थ्रू होल कर देंगे, क्या कर देंगे, होल, और यहाँ पर भी थ्रू होल कर देंगे। ठीक है, ये होल करने के बाद फ्रेंड्स, ये होल क्यों करते हैं हम, टूल को गाइड करने के लिए। अभी टेम्पलेट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुने। ये जो टेम्पलेट की सहायता से जो मेरी वर्क टेबल होती है उस वर्क टेबल के ऊपर टेम्परेरी जिक्स तैयार करते हैं। अब जिक्स कैसे तैयार करते हैं मैं समझा रहा हूं, उसको भी समझ लें। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहा हमने एक जिक्स तैयार किया, कैसे किया है समझ लें। हमने क्या किया, एक एंगल के रूप में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी, अगर हम ड्रिल मशीन पे ऑपरेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो भी चौड़ाई ले लेते हैं उसके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम जो तैयार कर रहा है उसको ध्यान से सुने। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसकी जो चौड़ाई रहती है, जो भी हमारा ये जो वर्कपीस दिख रहा है इसकी ये वाली जो चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पर स्पेस दिया, और जो स्पेस बचता है उसमें हमने क्या किया, एक पिन लगा दी। क्या किया है, यहाँ पर जो जिग बॉडी बनाई फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, जिग बॉडी बोलते हैं। जिग बॉडी बनाई, इधर एक कॉलम टाइप का बना दिया, उसमें हमने एक सपोर्ट लगा दी। क्या लगा दी, सपोर्ट के लिए पिन लगा दी, इधर भी एक पिन लगा दी जिससे पीस इधर ना जाए और इधर ना जाए और ये फिक्स यहाँ पर फिक्स हो जाए जब हम यहाँ पर रखेंगे। इसके ऊपर क्या किया फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल कॉमल इधर भी ऊपर कॉलम तैयार किया और इधर भी किया। इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी चौड़ाई है, जो हमारी वर्क पीस है उसकी चौड़ाई है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी अधिक रखते हैं। ठीक है, अधिक क्यों रखते हैं, जिससे आसानी से अंदर जा सके और अंदर से बाहर निकाल सके इसको। अब इसके ऊपर जस्ट ऊपर हमने इसकी जो वर्क पीस है उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग जैसा यहाँ सेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो टेम्पलेट तैयार किया था फ्रेंड, जो टेम्पलेट, इसको मैंने ऊपर फिक्स किया। जो यहाँ पर कॉलम बनाए थे, इस कॉलम के ऊपर हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। और यहाँ पर क्लैंपिंग के लिए एक मैंने क्लैंप के लिए जो भी पिन वगैरह लगाई है यहाँ पर देखा, इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, एक यहाँ पर लगा दी। अब जो टेम्पलेट के अंदर और मैंने क्या किया, एक लैच लगा दी, यहाँ देखा लैच लिखा हुआ, ये क्या है, एक स्क्रू टाइप का रहता है फ्रेंड, यहाँ पर एक नॉर्मल पट्टी टाइप की रहती है जिससे जब इसको कसेंगे तो वर्क पीस यहाँ पर जब रखा जाता तो ऊपर से टाइट कर सकें और वर्क पीस हमारा हिले नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम ढीला करके उसको आसानी से निकाल लेते हैं जब इसके रखते समय और ऑपरेशन करते समय हम उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको टाइट कर दिया, और यहाँ पर जो दो स्थान थे उसमें हम बुश लगा देते, क्या लगा देते हैं, बुश लगा देते हैं जिससे आसानी से हमारी ड्रिल अंदर जा सके और बाहर निकल सके, कहीं फंसे नहीं। ठीक है, स्मूथ तरीके से, तो ये दो बुश लगा दिए। तो ये प्लेटफॉर्म समझ में आया फ्रेंड्स, क्या किया मैंने, एक एंगल टाइप का यहाँ पर जिग बॉडी बनाई, एक कॉलम दो कॉलम बनाए, इसकी जो चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिन लगा दी जिससे आसानी से जा सके और इधर उधर भागे नहीं, हिले नहीं। ऊपर से एक लेच लगा दिया जो कि एकदम ऊपर से टाइट करने के लिए, कैसे टाइट करते हैं ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स। और दो जो हमारे ऑलरेडी होल किए हुए थे इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग उसमें बुश लगा दी। ये जो दोनों ये होल रहते टेम्पलेट में, ये टूल की गाइड के लिए रहते कि टूल यहाँ से आएगा फ्रेंड्स, जिसे हम ड्रिल बोलते हैं, होल करने के लिए टूल जो रहता है ड्रिल मशीन में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रिल। तो ड्रिल यहाँ से आएगी और आसानी से जब ये वर्क पीस यहाँ पर रखेगा तो उसको होल कर सके। अब वर्क पीस कैसे रखते हो, कैसे होल करते हैं, यह मैं बता रहा हूँ। अब फ्रेंड जो भी हमारे पास कंपोनेंट होता है जिसे हम वर्क पीस बोलते हैं उसको हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था यहाँ उस पर रख दिया, सीधा रखा फ्रेंड्स, और हमने क्या किया, लेच की सहायता से ऊपर से स्क्रू रहता टाइट कर दिया, इसे टाइट रखे, ये इधर उधर हिले नहीं फ्रेंड्स। जब ये ड्रिलिंग आई, क्योंकि ड्रिलिंग आई थी जो वाइब्रेस जी हमारा कंपोनेंट रहता है, जो भी हमारा वर्क पीस रहता है वाइब्रेट करता है, क्योंकि जो एकदम डायरेक्ट फिक्स होगी यहाँ होल करने के लिए वाइब्रेट करे, तो वाइब्रेट करते समय फ्रेंड्स क्या हो, इसका जो भी स्थान हो फिक्स सही होल हो सही स्थान पर, इसलिए यहाँ पर दो पिन भी लगा देते हैं सपोर्ट करने के लिए जिससे इधर उधर हिले नहीं, और यहाँ से टाइट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या आएगी, ड्रिल आएगी, क्या आएगी, ड्रिल, जो भी हमारी ड्रिल मशीन है उसकी सहायता से जब ड्रिल आएगी फ्रेंड्स, तो यहाँ से सीधा इसमें इसके थ्रू क्या करेगी, वर्क पीस होगी जब यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा उसमें यहाँ पर होल कर देगा और यहाँ पर भी होल कर देगी, तो आसानी से हमारा होल हो जाएगा और हमें बार बार मार्किंग नहीं करना पड़ेगी। हम इस पीस में होल इसको हटा देंगे, फिर दूसरा पीस इसी पे एग्जैक्ट स्थान पर रख देंगे, फिर वहां पर भी उसमें होल हो जाएंगे, इस तरह तीसरे इस तरह हजारों पीस पे हम एक टाइम बचत में, मतलब टाइम को बचाकर हम मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट है उसको बढ़ाकर हम हजारों पीस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जो भी हमें, जैसे इसमें सिर्फ ओनली ड्रिलिंग करना है तो ओनली ओनली ड्रिलिंग ही कर सकते हैं हजारों पीस पे, इसलिए हम इसको मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया हुआ है टेम्परेरी रहता है, क्योंकि अलग अलग पीस की अलग अलग स्पेसिफिकेशन रहती है, तो यहाँ पर जिस स्पेसिफिकेशन के होल होंगे उसी स्पेसिफिकेशन के होंगे और जब तक के लिए तैयार किया।
तो फ्रेंड समझ में आया होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे हम जिक्स को तैयार करते हैं और इसको जिक्स का जो यूज है उसके अकॉर्डिंग। तो यूज क्या है, वर्क पीस को होल्ड करना, जो कि यहां पर दिख रहा होगा वर्क पीस को होल्ड करके रखे सपोर्ट कर रहा है। इसको सपोर्ट कैसे कर रहा है, दिख रहा है ये ऊपर से होल्ड कर लिया, इसने पकड़ लिया। होल्ड मीन्स होता है रखना, इस पर रखा हुआ उसको होल्ड हो गया। सपोर्ट करना, क्लैंप करना, तो ये पिन के थ्रू क्लैंप कर रहे हैं हम, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। अब टूल को गाइड करना, तो यहां पर ही हम जो बना देते हैं स्थान बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं टूल को गाइड करना। तो ये टूल को गाइड भी कर रहा है कि पर्टिकुलर स्थान पर हम यहाँ पर इस पे जो ऑपरेशन करना चाह रहा है वो ऑपरेशन कर सके, कौन सा ड्रिलिंग। तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं जिक्स। जिक्स एक प्लेटफॉर्म की तरह रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग डिवाइस। समझ में आया होगा, ठीक फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फिक्सर की। तो फिक्सर थोड़ा बता देता हूं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्चुअल डायग्राम लिया जो कि यहाँ पर दिख रहा है फिक्सर बना हुआ है। फिक्सर आपने नॉर्मल वर्कशॉप में गए हो कभी, कहां पर वर्कशॉप में, तो वहां पर इस तरह के आपको बेंच वाइज दिखे होंगे। क्या होंगे, बेंच वाइज। बेंच वाइज आपने अच्छी तरह देखे होंगे। बेंच वाइज में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एक मेटल का पीस रहता है जिसमें हम घिसाई करते हैं, हो कट करते हैं, कोई भी उसमें होल भी करते हैं, ठीक है उसमें। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा क्या करता हूं, ओनली हम क्या करते हैं वर्क पीस को पकड़ने का काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं, लेकिन उसमें टूल को गाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है बेंच वाइज जो कि आपने वर्कशॉप में देखा हुआ है। इस तरह का कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पर हम वर्क पीस लगा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, फिर उस वर्क पीस के ऊपर हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्सर। बेसिक डिफरेंस, जिक्स टेम्परेरी होता है, फिक्सर परमानेंट होता है, क्योंकि हम परमानेंट डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। दोनों ही होल्डिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जिक्स टूल को गाइड भी करता है, लेकिन फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता। ये एक्चुअल देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर तैयार किया, देखो ये हमने यहाँ पर फिक्सर तैयार कर लिया पहले से, और ये एंगल इस पे हमें ड्रिलिंग करना है, तो इसको हम फंसाते जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पर्टिकुलर जगह होल होना है, तो इसको हम कहीं भी जो भी पीस फंसाते जाएंगे यहाँ ड्रिल करते जाएंगे। तो ये फिक्सर और जिक्स में थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि कैसे जिक्स कैसे होते हैं, फिक्सर कैसे होते हैं। अब मैं इसके बेसिक डिफरेंस है पॉइंटों के रूप में बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ इधर जिक्स और इधर फिक्सर के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इंग्लिश में और हिंदी में, इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने डेफिनेशन अभी समझाई है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन ही लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह यूनिडायरेक्शनल होता है, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, इस टाइप के ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। यह मल्टी डायमेंशनल होता है फ्रेंड्स, जैसे मशीनिंग है, मिलिंग है, टर्निंग है, ग्राइंडिंग, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में जिसमें हो रहे हो उसी टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिक्स रहता है कैसा, लाइट वेट रहता है, जबकि फिक्सर क्या रहता है, थोड़ा फिक्स रिजिडली रहता है, मतलब टाइट रहता है और थोड़ा सा हैवी भी रहता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखें तो यह क्या रहता है, इसमें गेज ब्लॉक्स बनाना कंपलसरी रहता है, जबकि इसमें गेज ब्लॉक बनाना कंपलसरी रहता है। अब कुछ और पॉइंटों की बात कर लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है जिक्स आर स्पेशल टूल्स पर्टिकुलर यूज इन ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन। वो कह रहा है जिक्स में क्या होता है, जो हमारा पर्टिकुलर यूज करते हैं, जैसे ड्रिलिंग के लिए, ड्रीमिंग के लिए, टैपिंग के लिए और बोरिंग। फिक्सर में क्या करते हैं, स्पेशल टूल्स आर यूज पर्टिकुलर इन मिलिंग मशीन, सेपर मशीन, स्लॉटिंग मशीन, मतलब इसमें वो जो ऑपरेशन है मैंने जस्ट ऊपर बताया था, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग टाइप की मशीनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, यह फिक्स नहीं है, क्या होता है जैसे मैंने बताया था कि जो जिक्स रहता है वह टेम्परेरी रहता है, जबकि एक कैसा रहता है, फिक्स रहता है। यह क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट रहती है हाई रहती है जिक्स की, जबकि इसकी कैसे रहती है, इसके कंपेयर में जिक के कंपेयर में लोअर रहती है, ठीक है। इसमें जो डिजाइनिंग रहती है वह कॉम्प्लेक्स रहती है, ठीक है, कैसी कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट, जबकि जो हमारा फिक्सर है उसकी डिजाइन कैसी रहती है, नॉर्मल रहती है, डिफिकल्ट कम रहती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, 8 पॉइंट्स है, इनको आप एग्जाम में आसानी से लिख सकें, इसलिए मैंने बताया, जबकि मैं बेसिक डिफरेंस नॉर्मल डेफिनेशन में ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स दिल से लाइक जरूर करें। इसके अलावा जैसे मैं हर बार बताता हूँ, हमारे चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे जहां पर हमारा सब्सक्राइब बटन है वहां के जस्ट बगल में जाएंगे ज्वाइन होगा, उस ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो हमने जो फीस रखी है 199 रुपए पर मंथ रखी है, वही 199 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप हमसे बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। हमारा वहां पर नंबर दिया, उस नंबर को नोट करके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।